हेलो फार्मर्स, चलिए आज हम आपको बकरियों को दिए जाने वाले कुटी में क्या क्या मिश्रण करना है, क्या क्या मिलाना है और साथ ही अभी ठंड का मौसम चल रहा है तो बकरियों को क्या दिया जाए जो कि इनके शरीर को गर्माहट प्रदान करे। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहे, हम आपको सारी जानकारियां देते हैं कि कुटी में क्या क्या मिलाते हैं जो कि ठंड में सहायक हो। तो चलिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारा फर्स्ट में एक टब ले लिए हैं जिसमें हम कुटी को रखे हुए हैं और साथ ही इनमें घाटा दिए जा रहे हैं जो कि मकई का दर्रा का बना हुआ रहता है जिन्हें सिझा कर बनाया जाता है। यदि आपको हमारा जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को अंत में सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए अगला हमारा प्रोसेस रहेगा नमक मिलाना, जो कि आप अपने अनुसार जितनी मात्रा में कुटी को सान रहे हैं उतने अनुसार में आप थोड़े से नमक मिला दें और साथ ही इनको अच्छे से चला दें ताकि ये अच्छी तरह से घुल मिल जाए। और अगला प्रोसेस हमारा रहेगा इनमें थोड़ा से खल्ली देना, जो कि आप देख पा रहे होंगे एक जो हमारा कटोरा है उसमें पूरी तरह से खल्ली भरा हुआ है जो कि सरसों का खल्ली रहता है। इनमें कुछ परसेंट तेल की भी मात्रा रहती है जो कि बकरियों के शरीर में गर्माहट लाने में मदद करती है। आप खल्ली अवश्य दें ठंडे के मौसम में। अब देख पा रहे होंगे यहाँ पे मिला दिया जा रहा है और अच्छी तरह से मिला दिया जा रहा है। इनमें अभी और भी कई चीज़ें मिलाए जाएंगे तभी हमारा पूरी तरह से कुटी तैयार होगा। तो चलिए अगला हमारा रहा, ये देख पा रहे होंगे ये पूरी तरह से हमारा सन कर रेडी हो चुका है, जो कि आधा टप कुटी था वो पूरी तरह से इनमें साना जा चुका है और दूसरा जो हमारा टप है अभी वो बचा हुआ है। इसमें भी उतने ही चीज़ें मिलाए गए थे जितने फर्स्ट में मिलाए गए थे। तो यहाँ पे हमारा दूसरा टप भी सन कर रेडी हो चुका है, अब हम इनमें एक कुटी दिए जाएंगे। यदि आप हमारा वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बकरी पालन करते हैं उनको हमारे वीडियो को ज़रूर भेजें ताकि उनको सहायक हो जाए। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमारा भी ये सन कर पूरी तरह से रेडी हो चुका है, अब इनमें हम कुटी डालते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये हम कुटी पूरी टप में भर दिए, जो कि अब इनमें मिलाना भी कुछ कुछ रहेगा। अब दूसरे टप में भी यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये भर रहा है हमारा, जो कि देने का प्रोसेस आप देख पा रहे होंगे धीरे धीरे डाल रहे हैं ताकि उड़े नहीं। अब हम इनमें दाल के चुन्नी को डालते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये दाल का चुन्नी हमारा दूसरा रहा, खल्ली के बाद हमारा दूसरा रहा दाल का चुन्नी। यहाँ पर देख पा रहे होंगे दाल के चुन्नी को हम थोड़ा सा मिक्स करते हैं एक टप में एक डुब्बे के अनुसार। आप देख पा रहे होंगे कितने बड़े एरिया मात्रा में हम ले रहे हैं इनको, और दूसरे टप में भी डाल देते हैं उतने ही मात्रा में जितने फर्स्ट टप में डालें। अब अगला रहा हमारा इनमें चोकर देना। देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारा चोकर पड़ा हुआ है और हम कितनी मात्रा में इनमें चोकर डाल रहे हैं, एक टप में इतनी ही मात्रा में देते हैं और साथ ही दूसरे टपों में भी इतनी ही मात्रा में दे देते हैं। इनमें अब अच्छी तरह से अब इनको मिक्स कर देंगे, सभी को पूरी तरह से मिक्स करने के बाद ही हम इनमें बांटेंगे। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए हम कट करके डाल रहे हैं। देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे पूरी तरह से ये अब मिक्स हो जाने के बाद इनको बांट करके हम इन्हें देंगे और देख पाएंगे कि ये किस प्रकार से बकरियाँ इनको चाव से खाती हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये अभी हमें परातों में दे रहे हैं क्योंकि अभी हमारे पास टप का सिस्टम नहीं है तो इसलिए हम इन्हें परातों में देते हैं। तो अगला हमारा रहा पूरी तरह से बांटना। यहाँ पे देख पा रहे होंगे हम जितने खिंदरियाँ हैं उसके अनुसार से हम परातों को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, यानी बांट चुके हैं। और साथ ही अब हम आपको दिखाएँगे कि किस प्रकार से बकरियाँ चाव से खाती हैं। आप भी इस प्रकार से मिश्रण करके बकरियों को ठंड से बचा सकते हैं। चलिए अब हम इन्हें बकरियों को दे देते हैं। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये हम बकरियों को देने के बाद ये कितने अच्छे से यहाँ सभी खा रहे हैं और इनके आदत बन जाने के बाद आपकी भी बकरियाँ या फिर आपके भी बकरे इसी प्रकार से खाने लगेंगे। यहाँ पे देख पा रहे होंगे सभी को दिए जा चुके हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए अंदाज के साथ। यदि आप यहाँ तक देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और जो अभी तक नहीं किए वो कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए।